वंदे मातरम मित्रों, आज 2 बजे पटना में शपथ ग्रहण समारोह, और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी 1 भी नहीं बजे हैं, मैं शपथ ग्रहण के 1 घंटे पूर्व ही यह वीडियो बना रहा हूं। शपथ ग्रहण जब हो रहा है तो उस समय तिथि 2:05 के बाद ये रिक्ता तिथि हो जाएगा। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से चतुर्दशी तिथि को रिक्ता मानते हैं, और रिक्ता तिथि में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दूसरी बात, चौघड़िया, ज्योतिष शास्त्र में चौघड़िया का बहुत ही विशेष महत्व है। जिस समय शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय अशुभ और अमंगल चौघड़िया है, यानी शुभ नहीं होगा, अमंगल होगा। नीतीश जी की बात करें तो उनके अपनी व्यक्तिगत जन्मपत्री में राहु की महादशा है और केतु की अंतरदशा है, जिसे बहुत ही ज्यादा एक विशेष समय माना जाता है। राहु और केतु जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यह समय को बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कभी व्यक्ति विशेष के जिंदगी में कोई अच्छा फल दे दे, ये एक बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस मानते हैं, किंतु सामान्य तौर पर जो माना जाता है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ये तो होगी ज्योतिष की बात, और मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं सरकार कैसी चलेगी, कि आगे आने वाले समय में इनका मतभेद होगा फिर सरकार गिर जाएगी, पर इतना तो अवश्य हर व्यक्ति को समझना है कि देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस प्रकार की खिलवाड़ किए जा रहे हैं, मजाक हो रहा है व्यक्तिगत, हमारा राजा कैसा हो, लोकतंत्र में राजा शब्द नहीं होता, समझने के लिए बात कर रहा हूं, हमारा राजा कैसा हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी की कोई नीति सिर पांव का पता ही नहीं, अपनी कुर्सी या अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु ये कुछ भी कर सकते, दाव पे लगा देते हैं अपने देश को, राज्य को। और सपने तो मत देखिए, मुंगेर लाल के हसीन सपने, कोई मुख्यमंत्री के लिए, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दौड़ लगाए, वो बेतहाशा दौड़ रहे हैं आपकी योग्यता के, भाई आपने एक बार भी, आप बिल्कुल, आप एक शिक्षित है, पढ़े लिखे, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति का एक नीति का कोई सिर पांव नहीं पता चलता, आपने एक बार भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाया है। चलिए, आज कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, किंतु मन की जो व्यथा थी मैं समझा आपके साथ इस बात को साझा करूं, और आगे देखिए क्या होता है। बस भगवान से प्रार्थना है कि देश में इस प्रकार से मजाक न बने राजनीति का, कहीं ना कहीं प्रजा की ही, प्रजा को ही इसमें प्रताड़ित होना पड़ता है किसी न किसी रूप में। जय हिंद, बाकी शुभकामना।